हेलो 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 सभी को, इतने सारे हेलो वापस आ गए हमारे चैनल पे। आज हम लाए हैं आपके लिए रसगुल्ले के डब्बे की रेसिपी। चलिए शुरू करते हैं। तो जो रसगुल्ले हैं वो तो बड़े स्वादिष्ट होते हैं, तो वो तो हम चट कर गए। तो इसका जो डब्बा है हम इसको एक स्टैंड बनाने में यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम कुछ भी रख सकते हैं ज़रूरत का सामान। जैसे कि हमने सिल्वर पेंट कर दिया है इस द्वार पे जो डब्बे पे बना हुआ था, और ये जो लिड है उसको, लिड को काटा और हमने नीचे लगा दिया ताकि डब्बा नीचे से ना खुल जाए। अब जो ढक्कन है वो सर की जगह एडियो में लगा दिया है और सारे द्वार पेंट कर लिए हैं सिल्वर कलर के। अब हम इन पर ड्राइंग करेंगे। कौन सी वाली? हम बनाएंगे मुगल आर्ट। अब यहाँ पे हम पेंसिल से वो ड्रॉ करने वाले हैं जो कि, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे पेंसिल से। और अब हम डार्क ब्लू कलर से इसकी आउटलाइन वाली ड्राइंग करेंगे। देखी होगी आपने सब कुछ, क्योंकि आज ब्लू है माहौल 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 माहौल। थोड़ा बहुत गा भी लेते हैं, तो गानों का डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा जो कि आप सुन सकते हैं हमारे ओरिजिनल सॉन्ग्स ऑन इंफानेट म्यूज़िक। नहीं, ये जो मैंने अभी गाया ये हमारा नहीं है, हमारे गाने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक पे मिल ही जाएंगे, तो आप जाके देख सकते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम ब्लू ब्लू करते जा रहे हैं डबल 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 सिमेट्री में, ये काफ़ी अच्छा लगता जा रहा है। ओहो हो ट्रांजिशन। अब जो दूसरी जगह है उस पर बोलने से पहले यहाँ जादू हो गया, तो अब ये जो हमने ड्रॉ कर लिया है इसको भी पेंट कर लिया जाए। टक टक, देखिए देखिए, धीरे धीरे पर्दा हटाया तो निकली एक सुंदर सी पेंटिंग, लग रही है ना बढ़िया। अब जो ढक्कन हमने काटा था उसका वो छोटा हिस्सा जिससे डब्बा बंद होता है वो हम यूज़ करेंगे इस वेज सिंबल को मिस्टर इंडिया बनाने के लिए, यानी कि हम इसे गायब करेंगे। अब उस छोटे हिस्से के ऊपर जो डिज़ाइन है हम उसको उखाड़ेंगे और जहाँ पे वेज सिंबल है उस पर लगा देंगे और उसको बना देंगे मिस्टर इंडिया। ज़रा ध्यान से फाड़िएगा कहीं फट ना जाए। ये क्या बात हुई, एक बार बताते हैं, ये कुछ इस प्रकार यहाँ लगेगा और अब इसको लगाना शुरू करते हैं। इस वेज सिंबल को जल्दी से मिस्टर इंडिया बनाते हैं ताकि नॉन वेजिटेरियंस की बिरयानी भी तो चुरा सके। एकदम फूल वूल मिला कर इस पर लगाएंगे तो बहुत ही बढ़िया, और लगाना हमने शुरू कर दिया है। उसके ऊपर का जो प्लास्टिक था हमने निकाला और बस फेविकोल लगाया, फूल वूल मिलाया और लगा दिया है। और जो बाकी बच रहा है हिस्सा उसको ध्यान से कर दें, और जो डॉट्स है वो उसके ऊपर भी बना दे, किसी को पता नहीं चलने वाला है क्या किया है। अब हम आते हैं दूसरे द्वार पे जिस पे हमने ये शानदार सी नज़ारेदार पेंटिंग बनाई है। वाह वाह क्या नज़ारेदार पेंटिंग है, जिसमें द्वार पे हमने एक और द्वार पेंसिल से ड्रॉ कर लिया है और एक बीन बजाता आदमी और एक मटका लेकर नाचती मोहतरमा हमने यह ड्रॉ कर दी है। और अब हम इस पे भी ब्लू कलर करेंगे। हमने पहले सोचा काला करेंगे पर काला थोड़ा और लगता, माना शेडोज काली होती है, पर पूरे इस बॉक्स का थीम ही ब्लू है। जैसा मैंने शुरू में कहा आज ब्लू है माहौल माहौल, तो मेरी पेंसिल गिर गई है। तो इसी बात पे हमने पूरे पे ब्लू कलर कर दिया है और ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अब धीरे धीरे आराम आराम से तेज़ तेज़ पूरे पे फटाफट जल्दी से ब्लू कलर कर दीजिए। और ये पूरा बनने के बाद क्या शानदार लग रहा है। इस पे एक और कोट कर देंगे जब ये थोड़ा सूख जाएगा। और अब जो द्वार हमने दोबारा बनाए हैं उन द्वार की थोड़ी सी कलाकारी कर दें। बाकी जो बक्से का लुक हमने सोचा वो बहुत अच्छा लग रहा है। अब क्या आप करेंगे, हम एक आउटलाइन, और जैसे जैसे हम करते जा रहे हैं वैसे वैसे करते जाइए। जैसे रसगुल्ला पेश करते हैं सबको तो उनके मुँह में स्वाद आ जाता है, उनको अच्छा लगता है, वैसे ये डब्बा पेश करेंगे तो उनको और अच्छा लगेगा। और एक बात, इतनी अच्छी रसगुल्ले के डब्बे की रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलेगी, तो इसी बात पे डेकोरेटिव को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। और वीडियो भी ख़त्म नहीं हुआ है, मैं बस बता रहा हूँ क्योंकि करते ही लोग। तो नाउ द आउटलाइन इज़ डन ओह इंग्लिश। अब हम बनाएंगे एक फूल, थोड़ा जैसे मैंने कहा उस दरवाजे की कलाकारी करते थे, दोनों तरफ एक बराबर फूल बना दिए हैं और ये साइड भी तैयार है। वापस हम उस पिछले द्वार पे आ गए हैं जहाँ पे हमने फूल और पत्ती की पेंटिंग बनाई थी जो ब्लू एंड ग्रीन था और काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब जो हमें फ़ायदा मिला है इस डब्बे पे, ऑलरेडी जो डिज़ाइन प्यारी सी बनी हुई थी उस पे हम ब्लू कलर मार के, जैसे जैसे हम मार रहे हैं वैसे वैसे मारिए आपका डब्बा हो जाएगा। तो जो हमें एडवांटेज मिला ये डब्बे पे डिज़ाइन ऑलरेडी बनी हुई थी, तो अब हम उस पे थोड़ा सा कलर कर रहे हैं ताकि वो उभर के आ जाए और
डिज़ाइन भी काम में आ जाए और खाली खाली ना लगे। अब फटाफट से धीरे धीरे तेज तेज सारी डिज़ाइन पे कलर मार दें और जो खालीपन है उसको दूर करके इस डब्बे को चार चांद लगा दें। अब जो इसमें कलगियां बनी है उस पर हम फटाफट से करके जो पेंट लगा चुके हैं और अब ये साइड भी तैयार है। दोनों तरफ कर दीजिए क्योंकि दोनों तरफ है और ये देखिए क्या शानदार लग रहा है ये, और जो पहले से ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये बड़ी बात है। अब हम एक एडिशन करेंगे क्योंकि सारी साइड्स हो चुकी है, पेंट वगैरह का काम हो चुका है। तो ये है क्विल आर्ट वाली स्ट्रिप। अब जो स्ट्रिप को है हम इस डब्बे के ऊपर लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रफ है और ख़राब सा लग रहा है। तो अब हम इसको फोल्ड करेंगे और फेविकोल लगा के चिपका देंगे और ऐसे करके चारों तरफ एक दो स्ट्रिप में लग जाएगा पूरा, और बची हुई काट दें और इसको भी पेंट कर दें डार्क ब्लू से ताकि वो लाइट लाइट सा ना लगे और फीका ना लगे। अब सारी साइड्स को डार्क ब्लू कर दें और वो उभर के आ रहा है जो इसका लुक हमने बनाया है जो, और ये लाइंस बनाने के बाद जो बॉर्डर है बनाने के बाद और उभर उभर के आ रहा है, और ऊपर जो स्ट्रिप लगाई उस पर भी कर दिया और ये हमारा डब्बा तैयार है। अब हम इस सुंदर बक्से के सुंदर सुंदर द्वारों को निहारते हैं और उनकी खूबसूरती का मजा लेते हैं। ये रहा एक द्वार जिसमें एक आदमी बीन बजाता हुआ और एक मोहतरमा मटका लेकर नाचती हुई, और ये जो दूसरी तरफ है इसमें हमने मुगल आर्ट बनाया ही था जो आपको दिखाया था शुरू में, और एक और साइड है जहाँ पे हमने सेम चीज़ करी है क्योंकि वो सेम द्वार है, और ये सबसे खूबसूरत द्वार जहाँ पे ग्रीन कलर की पत्तियाँ हो रही हैं और ब्लू कलर के फूल का जवाब दे रहे हैं क्योंकि वो लाजवाब है। ये रहे आपको क्वालिटी वाले ड्रोन शॉट्स जो कि इस डब्बे को एक और अच्छे एंगल से दिखाते हैं, चारों के चारों द्वार एकदम चुम्बेश्वर। बढ़िया लग रहा है या नहीं लग रहा है? लग रहा है तो लाइक करिएगा। और अब हम इसमें सामान रख देते हैं, जैसे हमने कहा ये सामान रखने के लिए कैंची, ब्रश, फेविकॉल और ये प्यारे प्यारे गुलाब जो कि हमने खुद बनाए थे ये भी इसमें रख दिए, और जिस टेबल पर सारे आर्ट का सामान है वहाँ पे क्या शानदार चमक रहा है। और एक बार फिर फटाफट से चारों द्वार के दर्शन। इतना अच्छा बनाया लोग इसकी फ़ोटो लेंगे और ख़ुद बनाएंगे, और ये फ़ोटो ले ली गई है, अलग अलग एंगल से फ़ोटो ली जा रही है और क्या शानदार लग रहा है। और हाँ, इसकी खूबसूरती और बढ़ाने के लिए इसमें मोती लगा सकते हैं अलग अलग तरीके के, जैसे हमने लगा दिए हैं लास्ट में, एक तरफ भी लगा सकते हैं चारों तरफ भी लगा सकते हैं आपकी मर्ज़ी। तो जैसा कि ये और सुंदर हो गया है तो लोग इसकी और फ़ोटो लेंगे, और ये ले ली है। वीडियो पसंद आया तो इस रसगुल्ले के डब्बे की रेसिपी को ट्राई करिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर कमेंट करें कैसा लगा, एंड सब्सक्राइब टू डेकोरेटिव।